नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस के आला अधिकारियों ने ये अभियान छेड़ा है और लगातार आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर नशीला पदार्थ बेचने वाले 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी तादाद में अवैध तरीके से लाए गए शराब और गांजा भी बरामद किया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।